Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न स्टेप्स के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रयोगात्मक विधि में और कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उन स्टेप्स का अर्थ क्या है एवं उन स्टेप्स का प्रयोगात्मक विधि में क्या स्थान है आज हम इसी के बारे में अपनी चर्चा को आगे विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे तो अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग हाइपोथेसिस जो कि प्रयोगात्मक विधि का एक महत्वपूर्ण स्टेप है के बारे में अपना डिस्कशन शुरू करते हैं हाइपोथेसिस जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन रिसर्च क्वेश्चन पर एंड किया था ये जाना था कि रिसर्च क्वेश्चन किसे कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को किस तरीके से डेवलप किया जाता है तथा रिसर्च क्वेश्चन किस प्रकार मेरी रिसर्च को गाइड करते हैं मुझे ये जानने में सहायता करते हैं कि अब मुझे अपनी रिसर्च में किस प्रकार से आगे बढ़ना है उसी के संदर्भ में हम लोग परिकल्पना का निर्माण करते हैं परिकल्पना का अर्थ है पूर्व कथन पूर्व कथन किसके विषय में हमारे रिसर्च क्वेश्चन के विषय में तो यदि हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में कहें तो परिकल्पना का अर्थ है हमारे रिसर्च क्वेश्चन का टेंटेटिव आंसर टेंटेटिव टेंटेटिव हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हमने अपनी रिसर्च पूरी नहीं की है अभी हमारे पास हमारे रिसर्च के प्रश्न हैं लेकिन रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पहले एक टेंटेटिव फॉर्म में एक पूर्व कथन करते हैं और ये पूर्व कथन हमारे रिसर्च क्वेश्चन का एक संभावित उत्तर होता है जैसे अगर हम कोई एक रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करें तो अब हम लोगों को उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक कथन देना होता है यही कथन सामान्य शब्दों में परिकल्पना कहलाता है तो जैसा कि हम लोग आगे यहाँ प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि परिकल्पना की पहली करेक्टरिस्टिक या पहला कनेक्शन हम लोगों ने टेंटेटिव आंसर से दिया है परिकल्पना अर्थात टेंटेटिव आंसर किसके लिए हमारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए टेंटेटिव हम इसे क्यों कहते हैं ये अभी हम लोगों ने क्लियर डिस्कस किया अब हाइपोथेसिस की नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं इट शुड बी और कैन बी एग्जामिट इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो हमारी हाइपोथेसिस है इसके अंदर एक बेसिक गुण होना चाहिए कि इसे हम लोग आगे अपने रिसर्च के स्टेप्स में एग्जामिन कर सकें एग्जामिनेशन का क्या अर्थ होता है एग्जामिनेशन का अर्थ होता है कि हम लोग उसे मेज़र कर सकें उसकी जांच पड़ताल कर सकें और उसके बारे में कोई अर्थ दे सकें तो एग्जामिनेशन इज इट नेक्स्ट स्टेप हम किन किन चीज़ों का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं जैसे यदि मैं कोई ऐसी परिकल्पना बनाऊं जो इमेजिनरी हो हम लोगों ने जब परिकल्पना डेवलप की तो डेफिनेटली वो हमारा पूर्व कथन है तो पूर्व कथन है तो वो एक इमेजिनरी स्टेटमेंट होगा किसके बारे में हमारे रिसर्च क्वेश्चन के बारे में और ये हमारी इमेजिनेशन को शो करेगा कि हमारी रिसर्च में क्या रिजल्ट आ सकता है लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम लोग किसी भी तरह की इमेजनरी को हाइपोथेसिस कहें मुझे जो भी लगे कि नहीं ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ तो मैं उसे अपनी रिसर्च की हाइपोथेसिस के फॉर्म में इस्टेब्लिश करूँ डेवलप करूँ तो यह पूर्णतः गलत होगा तो हाइपोथेसिस एक जस्ट इमेजनरी स्टेटमेंट या तर्क नहीं हो सकता है अब और कौन ऐसी चीज़ हो सकती हैं जिसकी जांच नहीं की जा सकती हो इसमें जैसे कि यदि मैं अपने भूतकाल में अब तक जो हिस्ट्री में हो चुका है उसके बहुत पीछे जाकर कोई हाइपोथेसिस डेवलप करूं, जैसे उस समय में यदि उस व्यक्ति ने इस तरीके से कार्य किया होता तो इस तरह का परिणाम हमें प्राप्त होता मैंने अपनी हिस्ट्री को बहुत पीछे लेके गया तो अब मेरे पास अपनी इस हाइपोथेसिस को जांच करने की संभावना धीरे धीरे खत्म कर दी क्योंकि अब मैं अपने पास्ट में जाकर या हम सब लोग अपनी हिस्ट्री में जाकर उस समय के तथ्यों को उस समय के कॉन्टेक्स्ट को ना ही तो समझ सकते हैं ना ही उनको एग्जामिन कर सकते हैं ना ही उनको मेजर कर सकते हैं तो यदि हम अपनी हाइपोथेसिस को एग्जामिन नहीं कर सकते हैं मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे लिए हमारी एक हाइपोथेसिस के रूप में एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी इसके अलावा भी और कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हमारी हाइपोथेसिस एग्जामिन ना की जा सके जैसे हम आगे के भविष्य के बहुत आगे जाकर कोई हाइपोथेसिस आज डेवलप करें हाइपोथेसिस अभी हमने डिस्कस किया कि वो टेंटेटिव आंसर है किसके बारे में रिसर्च क्वेश्चन के बारे में हम आज ये टेंटेटिव आंसर कर रहे हैं कि हमारी रिसर्च में आगे इस तरह का आंसर या सॉल्यूशन हमें मिलेगा तो ये फ्यूचर में डेफिनेटली डेवलप होगी ये फ्यूचर स्टेटमेंट ही होगा लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं फ्यूचर में जिसे आज मेज़र ही नहीं कर सकता या अभी वो मेरे मेजरमेंट की रीच से बाहर है या भविष्य के बहुत आगे मैं आज ही परिकल्पना करूं आज से सौ साल बाद ऐसा होगा यदि हम आज इस तरीके से ये कार्य करें तो अब से काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह के परिणाम हमें मिलेंगे तो वो आज के प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन चूँकि नहीं हो पा रही है इसलिए हम उसे आज के समय में एक अच्छी हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे इसके अलावा अभी हमारे पास और कुछ कारक हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से हमारी हाइपोथेसिस एग्ज़ामिन नहीं हो सकती इसमें एक और कारक है जिसे हम कहते हैं मेज़रमेंट इसके बारे में हम लोगों ने अब से पहले की क्लासेस में डिस्कशन किया है तो मेज़रमेंट हमें क्यों ज़रूरी है हमारी हाइपोथेसिस को डेवलप करने में क्योंकि आगे के स्टेप्स में हम लोग रिसर्च में अपनी इस हाइपोथेसिस को एग्ज़ामिन करेंगे और हम लोग मेजरमेंट में ये जान चुके हैं कि यदि हमें किसी चीज़ का एग्ज़ामिनेशन करना है उसको समझना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसे किसी स्टैंडर्डाइज वे में मेज़र कर सकें उसकी माप कर सकें ये जान सकें कि इसका यदि यह नूमेरिकल मैग्नीट्यूड है या ये इस तरह की नूमेरिकल वैल्यू ओन करती है तो इसका क्या अर्थ है तो यदि हमारी हाइपोथेसिस मेजरेबल नहीं है तो वो हमारी रिसर्च में हमें कोई हेल्प नहीं करेगी तो वो एक अच्छी एक गुड हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल नहीं होगी टेक्निकली वो एक हाइपोथेसिस ही नहीं होगी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हाइपोथेसिस की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या होती है तो यहां पर हमने लिखा है लॉजिकल लॉजिकल का क्या अर्थ होता है लॉजिकल का अर्थ होता है कि जो स्टेटमेंट हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारे किसी रैशनल इंटरप्रटेशन या एनालिसिस या हमारी किसी तर्क संगत सोच का नतीजा है अब तर्क संगत या लॉजिकल थिंकिंग किसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग का अर्थ होता है कि जो बात हम कहने वाले हैं इसके विषय में हमने पहले से जानकारी एकत्र की है और उस जानकारी को एकत्र करने के बाद उस जानकारी से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हमने एक क्राइटेरिया पे एग्जामिन करके अपने स्टेटमेंट को डेवलप किया है यही लॉजिकल थिंकिंग होती है तो हमारी हाइपोथेसिस चूंकि हमारे रिसर्च क्वेश्चन का एक प्रपोज्ड आंसर है और यह एक साइंटिफिक रिसर्च है तो जो हमारा प्रपोज आंसर होगा वो इलॉजिकल इरेशनल नहीं हो सकता यदि वो इलॉजिकल इरेशनल होगा तो हमें आगे अपनी रिसर्च में कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा हमारी रिसर्च एक किसी स्टेप पर जाकर या तो स्टक हो जाएगी या यदि कोई रिज़ल्ट हमें प्राप्त होंगे तो वो रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होंगे तो अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल हाइपोथेसिस किस तरीके की हो सकती है या हम कैसे अपनी हाइपोथेसिस को लॉजिकली डेवलप कर सकते हैं तो हम लोग फॉर एग्जांपल ये मानते हैं कि मोटिवेशन वर्क मोटिवेशन की थियरी के अकॉर्डिंगली मोटिवेशन के दो मेजर टाइप होते हैं जिसमें एक होता है इंट्रेंसिक सेकंड एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मोटिवेशन को हम लोग बहुत सारे कारकों से अटैच करते हैं ड्रॉ करते हैं जिसमें एक होता है रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन यदि हमें हमारे कार्य का रिकॉग्निशन मिले तो इससे हमें हमारी इंटरेंसिक मोटिवेशन डेवलप होती है और हमें इंटरेंसिक सेटिस्फैक्शन मिलता है ये हमारे पास ऑलरेडी एक नॉलेज है और इस नॉलेज में एक लॉजिकल स्टेटमेंट है और अब अगर मुझे ये देखना हो कि रिकॉग्निशन हमें कैसे मिल सकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से तो यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें रिकॉग्निशन की पॉसिबिलिटी हो जब कोई हमारा परफॉर्मेंस को अप्रेज करे एग्जामिन करे तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हमें रिकॉग्निशन दे तो ये रिकॉग्निशन हमें इंट्रेंजिक मोटिवेशन और एट द एंड हमारी मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है तो यह एक ये लॉजिकल स्टेटमेंट है एक लॉजिकल प्रोसेस है तो मैं ये एक हाइपोथेसिस डेवलप कर सकता हूँ कि नेचर ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इज़ derived from a performance appraisal and it is going to determine my work motivation. अब हम इसे अगर साधारण शब्दों में समझें तो हम लोग यह एक हाइपोथेसिस है डेवलप कर सकते हैं कि यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में रिकॉग्निशन की पॉसिबिलिटी होगी तो हमारे एम्प्लॉयज़ की इंट्रेंसिक मोटिवेशन इम्प्रूव होगी सेटिस्फाई होगी और उनका वर्क मोटिवेशन का लेवल बढ़ेगा यदि हम इसी में एक और लॉजिकल स्टेटमेंट ऐड करें कि जो व्यक्ति या जो एम्प्लॉयज़ वर्क मोटिवेशन में ज़्यादा होंगे उनका वर्क परफॉर्मेंस भी और ज़्यादा बेटर होगा तो यहाँ पर मैं इन वेरिएबल्स के इस लॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए अपनी हाइपोथेसिस डेवलप कर सकता हूँ अब हम लोग इसी का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे यदि यह एक लॉजिकल स्टेटमेंट हो कि वर्कलोड यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और ये वर्कलोड आपको स्ट्रेस देता है तो इससे आपका स्ट्रेस का परसेप्शन बढ़ जाता है और जैसे जैसे आपका स्ट्रेस का परसेप्शन या वर्क स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल वेलबींग well कम होती चली जाती है तो अब इस प्रोसेस में मैं ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ कि वर्कलोड मेरा हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग well से रिलेटेड है क्यों क्योंकि वर्कलोड वर्क स्ट्रेस से और वर्क स्ट्रेस हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग well से रिलेटेड है तो इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्कलोड मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल वेलबींग well को भी प्रभावित करेगा तो इस प्रकार से हम लोग लॉजिकल पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हुए अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं ताकि हमें हमारी रिसर्च में एक लॉजिकल और एक्सेप्टेड रिजल्ट मिले अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट करेक्टर है हाइपोथेसिस की वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन का अर्थ है कि जब मैं अपने रिसर्च में डेटा कलेक्ट करूं तो वो जो डेटा हो उसमें इस तरह की प्रोबेबिलिटी हो कि मेरी हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो जाए अर्थात दोनों पॉसिबिलिटी अवेलेबल हो हाइपोथेसिस में एक्सेप्ट होने की भी और रिजेक्ट होने की भी किसके माध्यम से जो मैं अपनी रिसर्च में डेटा कलेक्ट करूं और उस डेटा पर जब एनालिसिस करूं तो उससे जो मुझे आउटकम मिले रिजल्ट मिले वो मेरी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में दोनों में पॉसिबली रहता हो ऐसा ना हो कि जो डेटा हमें मिल रहा है वो मेरी हाइपोथेसिस को सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए ही ड्रॉ किया जा सकता हो तो इस कंडीशन में इसका अर्थ है कि यदि हाइपोथेसिस में उस हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की संभावना हो ही ना ये संभावना ही ना हो कि वो गलत साबित हो सकती है तो उस कंडीशन में मेरी रिसर्च का रैशनल और सिग्निफिकेंस यहीं पर समाप्त हो जाता है क्योंकि जो बात हाइपोथेसिस कह रही है यदि वो गलत साबित हो ही नहीं सकती तो अब मैं अपनी इस रिसर्च में आगे और क्या एड ऑन करूँगा तो यदि मेरी हाइपोथेसिस कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शो करे तो उस केस में हमारी रिसर्च का लेवल का सिग्निफिकेंस और रैशनैलिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अब हम लोग नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हाइपोथेसिस की डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की इट इज़ फॉर फ्यूचर ये किसके लिए बनाई जाती है फ्यूचर के लिए किसके फ्यूचर के लिए रिसर्च हमारी रिसर्च के रिसर्च क्वेश्चन के आगे जो फ्यूचर है जो हमें आगे स्टेप्स करने हैं उनसे पहले हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस को बनाते हैं और ये फ्यूचर प्रडिक्ट करते हैं कि जो हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे उससे हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा तो इसका अर्थ हुआ ये फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट होता है तो जब भी हम अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो उसमें हम लोग फ्यूचर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जैसे देयर विल बी देयर वुड बी अर्थात यह हाइपोथेसिस हमारे भविष्य को इंगित कर रही है इंडिकेट कर रही है यह हमारे पास्ट को प्रेजेंट को हमारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट नहीं कर रही है तो इसके अतिरिक्त भी अभी हाइपोथेसिस की और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें अब हम लोग आगे की करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जैसे नॉट ए फैक्ट, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि यदि हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उसे रिजेक्ट करने की तो हमारी हाइपोथेसिस में आगे बढ़ने की गुंजाइश खत्म होती चली जाती है उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस के लिए इट शुड सॉल्व द पर्पस ऑफ रिसर्च पर्पस ऑफ रिसर्च मेरा हमारे रिसर्च क्वेश्चन में ग्रहित होता है हमारा रिसर्च क्वेश्चन ही हमारे रिसर्च के पर्पस के कनेक्टेड होगा तो जो मैं हाइपोथेसिस डेवलप करूं, वो किससे कनेक्टेड हो किसका आंसर करें किसको फोकस करे मेरे पर्पस को मेरे रिसर्च के पर्पस को तो अगर मेरी रिसर्च का पर्पस जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब मोटिवेशन के संबंधों का जानकारी प्राप्त करना है मेरी रिसर्च का प्रॉब्लम या पर्पस ये जानना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब मोटिवेशन के बीच में किस तरह का संबंध है क्या ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं तो इस कंडीशन में मेरी हाइपोथेसिस तभी एक अच्छी हाइपोथेसिस मानी जाएगी जब वो इस रिलेशनशिप की क्वेश्चन को आंसर करें ना ही कि किसी और रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करे तो यदि वो जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब मोटिवेशन के अतिरिक्त सैलरी या वर्किंग कंडीशन के बारे में हाइपोथेसिस डेवलप कर रही है कथन कर रही है तो वो मेरी रिसर्च का पर्पज सॉल्व नहीं कर पाएगी अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस किस पर बेस्ड होती है या किस पर बनाई जाती है वो बनाई जाती है रिव्यू ऑफ़ लिटरेचर पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या अर्थ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का अर्थ है एग्जिस्टिंग नॉलेज अर्थात जो हमारे रिसर्च वेरिएबल हैं हमारी रिसर्च का पर्पस है उस पर इससे पहले और क्या क्या रिसर्च की जा चुकी हैं और उन रिसर्च में किस प्रकार का रिजल्ट हमें मिला है किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है यह सब कहाँ पर कलेक्टेड होता है लिटरेचर में तो जब हम कोई अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो हम लोग इसके लिए जो सपोर्टिव एविडेंसेस हैं जो सपोर्टिव जानकारी है, वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कुछ तो परिस्थितियों में हमारी हाइपोथेसिस हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को या एग्जिस्टिंग नॉलेज को सपोर्ट करती है लेकिन कुछ कंडीशंस में जो हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कभी कभी वो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज के कॉन्ट्राडिक्ट्री होती हैं इस कंडीशन में हम लोग इस तरह की हाइपोथेसिस इसलिए डेवलप करते हैं यदि हमें लगे कि ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसमें अभी नई नॉलेज ऐड करने की संभावना है या कुछ परिस्थितियों में जो ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसका रिजल्ट अप्रोपियट नहीं है या हमें लगे कि इस कल्चर या इस कॉन्टेक्स्ट में हमें नई जानकारियों की आवश्यकता है और एग्जिस्टिंग नॉलेज में हमें मॉडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है उस कंडीशन में हम लोग अपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर के कॉन्ट्राडिक्टरी भी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इम्पेरिकल इम्पेरिकल का क्या अर्थ है एम्पेरिकल का अर्थ है जो हम हाइपोथेसिस डेवलप करें उसे हम डेटा के माध्यम से जांच सकें परख सकें उसका मीनिंग ड्रॉ कर सकें उसी को हम लोग इम्पेरिकल कहते हैं तो एक जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए जिसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें किसके बेसिस पर अपने डेटा के बेसिस पर कौन सा डेटा वो डेटा जो हमने इंपेरिकली कलेक्ट किया है तो इसी कंडीशन में हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को एक अच्छी हाइपोथेसिस कह सकते हैं यदि हम अपनी हाइपोथेसिस में इम्पेरिकली डेटा कलेक्ट ना कर सकें और इम्पेरिकली अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या एग्जामिन या रिजेक्ट ना कर सकें तो वो एक अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहलाती है नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव जैसा हमने शुरू की ही क्लासेस में डिस्कस किया था कि साइंस हमारी ऑब्जेक्टिविटी डिमांड करती है और हमारी साइकोलॉजी में जो रिसर्च होती हैं वो भी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं तो इस कंडीशन में जो हमारी हाइपोथेसिस होगी वो किस तरह की होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अर्थात मेरे पर्सनल बायसनेस मेरे स्टीरियोटाइप्स मेरे इंटरेस्ट का मेरी हाइपोथेसिस पर कोई प्रभाव ना पड़े तो जब कोई भी एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करता है तो वो इसमें ये इंश्योर करता है कि ये हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव हो किसी तरह का पर्सनल इंटरेस्ट पर्सनल इम्प्रेशन उस हाइपोथेसिस के डेवलपमेंट में ना पड़े तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव यदि मेरी हाइपोथेसिस इस कंडीशन को फुलफ़िल करती है तो मैं कहता हूं मेरी हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव है अदरवाइज वो ऑब्जेक्टिव नहीं है नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस के लिए सिंपल क्लियर एंड डेफिनेट इसका अर्थ हुआ कि जब मुझे हाइपोथेसिस डेवलप करनी है उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा अपनी लिटरेरी uh, स्किल्स या अपनी लैंग्वेज स्किल्स को यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है मेरी हाइपोथेसिस जितनी सिंपल होगी जितनी क्लियरली मीनिंगफुल होगी उसका मीनिंग जितना क्लियर होगा जितना इजी टू अंडरस्टैंड होगी जितना क्लियर कट होगी जितना डेफिनेट होगी कि यही ये कहना चाह रही है तो जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस का हो वो सिंपल हो क्लियर हो और उसका मीनिंग एक ही निकलता हो उसके कई मीनिंग ना निकल पाते हो यदि उसके कई मीनिंग निकलेंगे तो जब मैं अपनी हाइपोथेसिस को एग्ज़ामिन करूंगा, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा ये जानना कि मैं अपनी हाइपोथेसिस के किस मीनिंग के बारे में एग्ज़ामिनेशन कर रहा हूं। तो मेरी हाइपोथेसिस सिंपल क्लियर और उसका मीनिंग एकदम साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए उसी कंडीशन में हम लोग उस हाइपोथेसिस को एक अच्छी हाइपोथेसिस कह पाएंगे हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम लोग हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं तो कॉमनली हमारे पास दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं जिसमें से पहली हाइपोथेसिस को हम लोग शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस कहते हैं दूसरी तरह की हाइपोथेसिस को हम लोग अल्टरनेटिव या वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं इसमें नल हाइपोथेसिस को हम लोग नॉन डायरेक्शनल अथवा टू टेल हाइपोथेसिस भी कहते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग डायरेक्शनल या वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं तो एक सिर्फ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है नल हाइपोथेसिस का अर्थ है जब हम लोग अपने दोनों रिसर्च वेरिएबल्स या अपने आईवी की दो कंडीशंस में किसी प्रकार के अंतर को डिनाई करते हैं कहते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है या इन दो रिसर्च वेरिएबल में कोई संबंध नहीं है तो उसे हम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हैं नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेट में ही हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं जिसमें हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि दोनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है और उसकी एक डायरेक्शन देते हैं जैसे हम कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में कोई संबंध नहीं है जब हम लोग उसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे तो कह सकते हैं कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या हम कह सकते हैं वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है तो ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं, जैसा हमने कहा डायरेक्शनल होती हैं, तो यहां पर दो ही डायरेक्शनल हमारे पास पॉसिबल होंगी या तो पॉजिटिव या निगेटिव तो इसीलिए हम लोग इससे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको हम लोग एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एग्जाम्पल से समझते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे की क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन सिर्फ ये समझने के लिए कि टू टेल्ड और वन टेल्ड क्या होता है हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा डिस्पर्जन होता है जिसमें मैक्सिमम स्कोर मिडिल में और धीरे धीरे उन वो स्कोर उसकी टेल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें मीन मीडियम मोड एक ही पॉइंट पे लाई करता है यहाँ पर जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में तो हम लोग दोनों टेल्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के एक साइड में राइट साइड में पॉजिटिव स्कोर्स प्लस और लेफ्ट साइड में नेगेटिव स्कोर या वो स्कोर जो मीन से कम है वो लाइक करते हैं और राइट साइड में जो मीन से ज़्यादा स्कोर है वो लाइक करते हैं ये डिटेल में हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे यहाँ पर बस हम लोग ये समझते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हमने टू टेल्ड क्यों कहा क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि कोई रिलेशनशिप या कोई डिफरेंस नहीं है तो जब हम लोग इसे एग्जामिन करेंगे तो हम लोग नॉर्मल प्रोबल्टी करके दोनों डायरेक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शंस पर अपनी हाइपोथेसिस को एग्ज़ामिन करते हैं तो चूंकि हमने इसे दोनों टेल्स पर एग्जामिन किया इसीलिए इसे हम लोग टू टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं और चूंकि हमने इसमें कोई डायरेक्शन एज्यूम नहीं की थी इसीलिए इसे हम लोग नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं अब अल्टरनेटिव की कंडीशन में क्या स्थिति है यहां पर हम लोग एक डायरेक्शन बता रहे हैं पॉजिटिव या निगेटिव तो जब हम लोग अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एग्जामिन करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग एक कोई टेल पर एग्जामिनेशन करते हैं या तो पॉजिटिव या निगेटिव क्योंकि हमने ये अज्यूम ही किया है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या निगेटिव है या ग्रुप ए का स्कोर ज़्यादा होगा बी से या ग्रुप बी का स्कोर ज़्यादा होगा ए से तो टेक्निकली हमने दोनों ही कंडीशन में अपनी हाइपोथेसिस को एक डायरेक्शन दे चुके हैं तो इसीलिए जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर पे अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हमें दोनों टेल्स को कंसीडर करना होता है नल हाइपोथेसिस में और एक टेल को कंसीडर करना होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अब हम लोग आगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नल हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करती है नो no डिफरेंस और नो no रिलेशनशिप ये हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है लेकिन यदि हम कहें कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है या कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका यह अर्थ नहीं है कि कुछ भी परसेंट या कुछ भी रिलेशनशिप या डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है इसका अर्थ है कि यदि कोई डिफरेंस या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग उसे कंसीडर करें उसका हम लोग ध्यान दें और ये कहें कि इस छोटे से डिफरेंस की वजह से हम इन दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट कंसीडर करें तो ये हम लोग नल हाइपोथेसिस में एज्यूम करते हैं और यदि बाय चांस वो जो डिफरेंस है या वो जो छोटा सा डिफरेंस है वो किसके कारण है या तो हो सकता है वो चांस की वजह से हो या हमारी रिसर्च में जो एरर्स हैं उनकी वजह से वो डिफरेंस शो हो रहा हो या हमें हमारे रिजल्ट में वो डिफ़रेंस मिला हो हाइपोथेसिस जैसा हम लोगों ने हाइपोथेसिस के डिस्कशन में कहा था कैरेक्टरिस्टिक में कि हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए जिसे हम लोग या तो एक्सेप्ट कर सकें या रिजेक्ट कर सकें मतलब ये पॉसिबिलिटी हो कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट की जा सके इसीलिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को कॉमनली हम लोग एच ओ से डिनोट करते हैं तो यदि यहाँ पर हम लोग इस टर्म में लिखें तो एच ओ अगर नल हाइपोथेसिस है तो वो क्या कह रही होगी कि ग्रुप वन का मीन माइनस ग्रुप टू का मेन किसके बराबर वो हो नहीं होगा ज़ीरो कोई डिफरेंस नहीं है यदि सॉरी नल हाइपोथेसिस में एम वन माइनस एम टू हम लोग एज्यूम करेंगे ज़ीरो कोई डिफरेंस नहीं है यदि हम लोग इसे दूसरे कंडीशन में देखें तो एम वन मीन वन पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है नो no डिफरेंस ये हमारी कौन सी कंडीशन हुई हमारी नल हाइपोथेसिस की कंडीशन अब हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कशन में कहा था कि हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब बनाते हैं नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव फॉर्म में तो जो नल हाइपोथेसिस अगर हमारी कह रही है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसके अपोजिट स्टेट करेगी अपोजिट कथन रखेगी और कहेगी कि इनके बीच में या तो रिलेशनशिप है या दूसरी कंडीशन है तो कहेगी कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कब टेस्ट करते हैं जब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है इसे सिंपली समझते हैं कि यदि पहले हमने कहा कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के वेरिएबल बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है हमने टेस्ट किया और हमने पाया कि नहीं हमें हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है हमारे डेटा के बेसिस पर तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई तो कौन सी कंडीशन जनरेट हुई कि कोई रिलेशनशिप वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कौन सी कंडीशन होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की? कब? जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए यदि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की नीड हमें नहीं होगी नेक्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये इस्टेब्लिश करती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप या दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंट हैं हम ये कह सकते हैं कि यदि ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में जो डिफरेंस है और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू हमने ये प्रूव किया कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो हम ये इंफ्रेंस ड्रॉ करेंगे कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग व्यवहार रखते हैं या जिस वेरिएबल पे हमने एग्जामिन किया होगा कहेंगे कि इस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से डिनोट करते हैं और चूंकि हमने कहा कि इसमें एक डायरेक्शन इंक्लूड होती है तो जब हमें यहां पर इसे शो करना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे मीन वन या तो मीन टू से अधिक है एक कंडीशन हो सकती है या हम लोग इसके अपोजिट बना सकते हैं कि मीन टू इज ग्रेटर देन मीन वन डायरेक्शन कोई भी एक डायरेक्शन हम लोग अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में गिवन करते हैं देते हैं आगे अब हम लोग पढ़ते हैं और अपनी प्रयोगात्मक रिसर्च के नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो है सैंपल सैंपल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पहले ही डिस्कशन किया है तो आज हम लोग इस डिस्कशन को शॉर्ट में करेंगे तो हम लोग पहले ये बात कर चुके हैं कि जो सैंपल है वो कैसा होना चाहिए हमारी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव। अर्थात उसमें वो गुण वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जैसे कि हमारी पॉपुलेशन में हैं अब सैंपलिंग सैम्पलिंग क्या है सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करते हैं तो सैंपल क्या हुआ वो आउटकम हुआ सैंपलिंग के प्रोसेस से जो हमें मिला पॉपुलेशन एक है हमारे पास एक है प्रोसेस सैंपलिंग एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू हमने इस पॉपुलेशन से जो ड्रा किया उसे हम सैंपल कहते हैं तो सैंपल सैंपलिंग के बारे में चूंकि हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप है मेज़रमेंट ऑफ वेरिएबल हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में पहले चर्चा कर चुके हैं और जब हम लोग हाइपोथेसिस की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि मेज़रमेंट बहुत एसेंशियल क्वालिटी है एसेंशियल है हमारे रिसर्च के लिए कि हमारे पास हमारे वेरिएबल्स को मेज़र करने के लिए इस्टैंडाइज टूल्स हों जो जो भी हमारे वेरिएबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें मेज़र कर सकें और मेज़रमेंट के थ्रू उन्हें एक मीनिंग दे सकें साइकोलॉजी की रिसर्च में हम लोग अपने वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडाइज टूल के माध्यम से मेज़र करते हैं तो इस स्टेप में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग अपने वेरिएबल को किस टूल से मेज़र करेंगे किस लेवल पर मेज़र करेंगे मेज़रमेंट का क्या मेथड होगा और जो हम मेज़रमेंट यूज़ कर रहे हैं क्या वो वैलिड हैं रिलायबल हैं या नहीं तो यहाँ पर हम लोग अपने रिसर्च के मेज़र्स के बारे में डिटेल में इंश्योर करते हैं कि वो हमारी रिसर्च के लिए एप्लीकेबल हों साइकोलॉजी में हम लोग कॉमनली परसेप्शन एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग फिज़िकल डेटा भी कलेक्ट करते हैं जैसे हमारा टेम्परेचर लाइट नॉइस एज जेंडर ये सब वो डेटा हैं जिनको हम लोग डिफरेंट डिफ़रेंट स्टैंडर्डाइज फिज़िकल फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा दूसरी तरह का जो वेरिएबल होते हैं जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन एटीट्यूड परसेप्शन परसेप्शन ऑफ जस्टिस इन सब वेरिएबल्स को मेज़र करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजी में बहुत सारे तरह के स्टैंडर्डाइज टूल्स होते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट experiment में एक्सपेरिमेंटल रिसर्चिस में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होगा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारी रिसर्च का एक बेसिक ब्लू प्रिंट होता है एक डिटेल प्लान होता है जैसा यहाँ पर लिखा है अ डिटेल प्लान और स्केच तो जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ये हमें बताता है आगे कि हम लोग अपनी रिसर्च को आगे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं ये एक बेसिक डिज़ाइन है जैसे जब हम लोगों को यदि कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग एक नक्शा ड्रॉ करते हैं वो नक्शा हमें ये बताता है कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है और जब एक स्टेप पूरा हो जाए तो अगले स्टेप को कैसे इनिशिएट करना है तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो हमारे सिस्टमेटिक प्रोसेस को कि रिसर्च का जो सिस्टेमेटिक प्रोसेस है वो क्या है कैसे है और कैसे हम सिस्टमेटिकली अपने रिसर्च को आगे कंप्लीट करेंगे वो हमारे रिसर्च डिज़ाइन में इंडिकेट होता है इसके अलावा हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमें हेल्प करता है ये प्लान करने में कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को हम लोग किस प्रकार से ट्रीट करने वाले हैं या अपने वेरिएबल्स को हम लोग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ताकि हमारा आईवी का इफ़ेक्ट जो हो वो मैक्सिमम हो ये हम हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में इंश्योर करते हैं और हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल का जो इन्फ्लुएंस है वो कंट्रोल में हो और लास्ट हम किस प्रकार से अपने सैम्पल को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में अलोकेट करेंगे कि कौन सैम्पल कौन पार्टिसिपेंट किस मेथड से किस कंडीशन में होगा या वो कहाँ डेटा कलेक्ट किया जाएगा उस पार्टिसिपेंट पर ये सब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में श्योर sure करते हैं और उसके बारे में एक प्लान तैयार करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च में डेटा कलेक्शन जैसा हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में जो डेटा है वो एक उसका इंटीग्रल पार्ट है ये वो एक बैकबोन है साइंटिफिक रिसर्चिज़स की जो इंश्योर करती है कि साइंटिफिक रिसर्च के जो रिज़ल्ट हैं उन्हें हम जर्नलाइज कर सकें उन्हें हम दूसरों को ठीक से समझा सकें और दूसरों को ये कॉन्फिडेंस दे सकें कि ये जो रिज़ल्ट हैं इनका यही मीनिंग है इनके और इन्फ्रेंसिस नहीं हैं तो जो साइकोलॉजी की रिसर्च होती हैं वो डेटा बेस्ड होती हैं डेटा बेस्ड मीन्स हम लोग पहले डेटा कलेक्ट करते हैं चाहे वो क्वांटिटेटिव डेटा हो या क्वालिटेटिव डेटा हो पर वो डेटा कलेक्शन के बाद ही हम लोग अपनी रिसर्च के रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं या अपने रिजल्ट के आउटकम को डिस्कस करते हैं हमारी रिसर्च में या साइकोलॉजिकल रिसर्च में इंट्यूशन बेस्ड रिजल्ट नहीं होते हैं डेटा बेस्ड रिजल्ट होंगे अब डेटा और हमें क्या क्या हेल्प करता है जैसे यदि आप किसी से कोई एक बात कहें कुछ कहें कि आपको ऐसा करना चाहिए तो वो आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है डेटा का यदि आप उसको वही बात डेटा के थ्रू बताएं, कि देखो इससे पहले इस तरह के बिहेवियर का इस तरह का रिजल्ट आया तुमसे पहले इन लोगों ने ऐसा किया था तो देखो उनका ये रिजल्ट आया तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया है डेटा यूज किया जो ऑलरेडी डेटा था हमारे पास हमने उससे अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट दिया कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भी हाल वैसा ही होगा जैसा एक्स वाई जेड वगैरह का हुआ तो यहां पर क्या है हम उसे डेटा के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग क्या है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो डेटा हमेशा हमारे आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है और उन्हें एक वेटेज देता है इसके बाद जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा पार्टिसिपेंट हो उससे हम लोग पहले कंसेंट लें हम पहले उससे ये जाने कि क्या वो इस स्टडी में पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है यदि उसके इस रिसर्च को लेकर कोई क्वेश्चन है तो उसको आंसर करें और उसको आंसर करने के बाद जब वो कॉन्फिडेंट हो कि हाँ वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट कर सकता है तो उसके बाद ही हम लोग उस पार्टिसिपेट पे डेटा कलेक्ट करें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसेंट लेना मतलब हम लोग किसी भी पार्टिसिपेंट से बाई फोर्स या किसी और मीन से डेटा नहीं कलेक्ट करते उसके कंसेंट से ही हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे ये इंश्योर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ये कॉन्फिडेंशली रखी जाएगी हम आपका नाम आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे इसके बाद जब हम लोग डेटा कलेक्ट करें तो डेटा कलेक्शन के समय हम लोग अपने प्रोसेस को जितना पॉसिबल हो सके उसे अनबायस रखें मतलब डेटा कलेक्शन के समय हम लोग एक्सपेरिमेंटर रिसर्चर इस तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो जिससे हमारा डेटा बायस्ड कलेक्ट हो आपके इंटरेस्ट आपके परसेप्शन आपके डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस ना करें इसके बाद डेटा हमें और क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमारे रिसर्च वेरिएबल्स के बारे में क्योंकि हम अपने रिसर्च वेरिएबल को उसके डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जैसे यदि मैं कहूँ जॉब सेटिस्फैक्शन तो जॉब सेटिस्फैक्शन का मीनिंग जब हम लोग उसे डेटा में प्रेजेंट करें कहें कि आपके जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल सो एंड सो एंड सो है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ अपने वेरिएबल को मीनिंग देने के लिए एक डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जब हम लोग डेटा के साथ किसी वेरिएबल को डिस्कस करते हैं तो उसका मीनिंग क्लियर और आइडेंटिफाई करने के कंडीशन में होता है तो डेटा कलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटा एनालिसिस रिसर्च में हम लोगों ने देखा कि हम लोग पहले हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस करेंगे क्योंकि यदि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस नहीं किया तो हमारे पास उस डेटा से कोई मीनिंग इन्फर नहीं होगा कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो डेटा एनालिसिस क्या करता है जो हम लोगों के पास रॉ डेटा है जिसे हम रॉ इन्फॉर्मेशन कहते हैं जैसा हम गए फील्ड में जो हमने डेटा कलेक्ट किया अब उसे मीनिंग देने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस यूज़ करते हैं और इसे ही प्रोसेस को हम लोग डेटा एनालिसिस का प्रोसेस कहते हैं ये हमारे रॉ इंफॉर्मेशन को मीनिंग देने के अलावा हमारी हाइपोथेसिस को एग्ज़ामिन करने में टेस्ट करने में हमारी मदद करता है हमारा डेटा एनालिसिस का आउटकम ही हमें ये बताता है कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी इसके बाद हमारा डेटा एनालिसिस किस दो कंडीशन के द्वारा डिटरमाइन होता है तो इसमें दो मेजर चीज़ें हैं एक है हाइपोथेसिस कि हमने कौन सी हाइपोथेसिस बनाई कैसी बनाई और हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया था ये दोनों कंडीशन मेरे डेटा एनालिसिस के मेथड को डिटरमाइन करती हैं ये बताती हैं कि ये वाला एनालिसिस मेरी रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट होगा उसके बाद ही मैं अपने रिसर्च के क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई कर पाता हूँ तो डेटा के बाद डेटा एनालिसिस मेरे रिसर्च के क्वेश्चन को आंसर या उसके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में मेरी मदद करेगा डेटा एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा रिजल्ट डेटा रॉ इन्फॉर्मेशन उसके बाद डेटा एनालिसिस तो जो डेटा एनालिसिस का आउटकम होगा वो होगा रिजल्ट रॉ डेटा को प्रोसेस करके जो हमें मिलेगा हम लोग उसे कहते हैं रिजल्ट रिसर्च का रिजल्ट तो ये किसका आउटकम हो गया डेटा एनालिसिस का लेकिन डेटा एनालिसिस करने के बाद जो हमें आउटकम मिलता है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है डिफ़िकल्ट होता है उसको समझना तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने रिज़ल्ट को प्रेजेंट करते हैं तो यदि हम आपको सिर्फ ऐसे ही अपने रिसर्च का रिज़ल्ट बताएं बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उसका मीनिंग इन्फ़र ना कर सकें लेकिन जब हम इस रिज़ल्ट को किसी एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक ग्राफ के फॉर्म में अगर आपको प्रेजेंट करें तो उस रिज़ल्ट को अंडरस्टैंड करना उसके मीनिंग को इन्फ़र करना ज़्यादा इजी होगा तो इसीलिए जो हमारे पास रिज़ल्ट है उसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को हमारी रिसर्च का रियल परिणाम और उसका अर्थ समझ में आ सके लेकिन रिजल्ट को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर्स रिसर्च जर्नल डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टैंडर्डाइज प्रोसेस इनिशिएट किए हैं बताते हैं कि इस तरीके से हम लोग अपने रिज़ल्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे एक संस्था है ए पी ए पी ए हमें ये गाइडलाइन देती है कि हम अपने रिज़ल्ट को किस तरीके से किस तरह की टेबल्स से किस तरह के ग्राफ से अपने रिसर्च पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं है यहाँ पर कुछ जर्नल्स कुछ अलग तरह का मेथड स्टैंडर्डाइज प्रोसीज़र यूज़ करते हैं कुछ अलग जर्नल्स कुछ अलग तरह का स्टैंडर्डाइज प्रोसीज़र यूज़ करते हैं तो जब आपको अपनी रिसर्च पेपर को पब्लिश करना होता है तो आपको आपके जर्नल की डिमांड के अकॉर्डिंगली उस स्टैंडर्डाइज प्रोसीज़र को यूज़ करना होता है अपने रिज़ल्ट को लिखते हुए इसके बाद ये जो हमारा आउटकम है रिज़ल्ट है ये क्या करता है रिसर्च का जो टोटल आउटकम है जो फाइंडिंग है उसको इंटरप्रिटेशन देता है उसको एक मीनिंग देता है तो डेटा डेटा एनालिसिस ये अभी भी मेरी रिजल्ट के आउटकम को एक मीनिंग नहीं दे रहे थे मीनिंग कौन देगा रिजल्ट जो इसका आउटकम आया है उस रिजल्ट में ही मेरी रिसर्च फाइंडिंग की इंटरप्रिटेशंस इनकॉर्पोरेट या इंक्लूडेड होती हैं अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिस्कशन ये सभी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों का कार्य है कि जो हमारे पास रिसर्च की फाइंडिंग्स हमें मिली हैं जो रिज़ल्ट हमें मिला है अब हम लोग उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को और रिज़ल्ट को डिस्क्राइब करें क्योंकि जो रिज़ल्ट की फाइंडिंग्स हैं वो हमें नंबर्स में मिलती हैं जो हमें रिज़ल्ट हैं वो कंक्लूडेड मिलते हैं अब हमारा अर्थ अब हमारा कार्य है कि अब हम इन रिसर्च की फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब करें ताकि इसके अंदर और मीनिंग इनकॉर्पोरेट किया जा सके बाकी लोग भी या कॉमन लोग भी उस रिजल्ट की फाइंडिंग के मीनिंग को समझ सकें तो जब आप उसे डिस्क्राइब करते हैं तो उसके अंदर और जो हिडन मीनिंग्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आप अपने डिस्कशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं जो हमारा डिस्कशन है वो हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही डिटरमाइन या आप कह सकते हैं गवर्न होता है तो जो हमारे पास रिसर्च फाइंडिंग्स आई हैं जब हम उसे डिस्क्राइब करते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिसर्च हैं जो उनकी फाइंडिंग्स हैं हम उन्हें यूटिलाइज़ करते हुए अपनी प्रजेंट की जो रिसर्च है उसे डिस्क्राइब करते हैं तो कुछ कंडीशंस में हमारी जो रिज़ल्ट है हमारी जो प्रजेंट रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज या लिटरेचर में जो ऑलरेडी फाइंडिंग्स हैं जो पास में रिसर्च हुई हैं कई बार वो दोनों आपस में एक जैसी होती हैं तो उस कंडीशन में हमारी रिसर्च की फाइंडिंग को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर सपोर्ट करता है लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो रिसर्च की प्रेजेंट रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं और जो एग्जिस्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर है या नॉलेज है उसमें कोई या तो डिफरेंस है या कॉन्ट्राडिक्शन है तो इस परिस्थिति में भी हम लोग अपने रिजल्ट को डिस्क्राइब करते हैं और डिस्कशन में ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंसेस हैं या ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या ये सिमिलरिटी जो मेरी प्रेजेंट रिसर्च और पास के रिसर्चेज में है वो सिमिलरिटी किन किन वजह से हो सकती है डिस्कशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंक्लूजन कंक्लूज़न का अर्थ है ये पूरा का पूरा रिसर्च का प्रोसेस जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स बहुत सारे रिजल्ट हमें मिले हैं अब हम लोग इस स्टेप में अपनी पूरे रिसर्च के प्रोसेस को उसकी फाइंडिंग्स को उसके आउटकम्स को शॉर्ट में कंक्लूसिव मैनर में एक्सप्लेन करते हैं हम बहुत कम शब्दों में ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी रिसर्च के आउटकम्स क्या हैं और अपनी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उन्हें कॉम्प्रीहेंड करते हैं कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है रिसर्च में जो बहुत सारे रिजल्ट हमें मिलते हैं उन्हें हम कॉम्प्रीहेंड करके जो उनका एग्जैक्ट मीनिंग है जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमें कन्वे करनी है वो कंक्लूज़न के स्टेप में हम लोग कंक्लूड करते हैं इसके बाद हम लोग अपने रिसर्च के लिमिटेशंस और फ्यूचर डायरेक्शंस का डिस्कशन करते हुए रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं और यहाँ पर आकर हमारी एक बेसिक रिसर्च का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आज के इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो थैंक यू